हेलो, ये आपका चैनल है लखनवी रसोई से। मैं मिथिलेश भदौरिया, ये आपको स्वयं का चैनल है। देखिए, ये आज मैं मूंग की दाल और मस्त, ये देखिए मैं मूंग की दाल बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मूंग और मसूर दोनों मिला के बना रहे हैं। ये देखिए, मूंग और मसूर मैंने धुल के इसमें रख दिया था। थोड़ा पहले वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, अचानक से आ गया प्लान। ये देखिए, मूंग और मसूर आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसमें सिर्फ सादी हल्दी और नमक डाल के इसको रख दिया मैंने उबलने के लिए। आधा कप मूंग की दाल है और 1/3 कप मसूर की दाल है। ये देखिए उबलने लगी। गैस मेरी नीचे से बंद है, खोलता हूँ। इसको प्रेशर लगाते हैं, जब तक प्रेशर बंद लगता है पकती है, इसके बाद फिर आपको। ये देखिए कुछ थोड़ा पानी ज्यादा लग रहा है, निकाल देते हैं, बाद में डाल देंगे। देखिए मेरी दाल पक रही है, तब तक मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, ये गाजर है, बहुत बड़ी बड़ी कटी हुई, इसको पतला काटती हूँ। देखिए ये मेरी गाजर कट गई है, ये और ये हो जाएगा टमाटर। देखिए दाल का थोड़ा पानी ज्यादा था इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब दाल को देख के तब इससे पानी डाल देंगे, ज्यादा कम जैसा होगा। इसको मैंने नीचे रख लिया, इससे टमाटर का पानी इसमें गिरता रहे। और ये बीज भी हम निकाल देते हैं, इसको हम अलग से दाल में ग्राइंड कर देंगे। ये कट गया मेरा, और अब इसमें थोड़ा सा प्याज, ये प्याज हो गया, और ये हो गया मेरा गुआवा। ये देखिए, ये अमरूद, इसको भी हम पतला पतला काटेंगे। जैसे गाजर और टमाटर और ये काटा है वो प्याज, वैसे ही इसको भी हम काटते हैं। ये देखिए, प्याज बीच में कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सैलेड कट गई है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इसका स्वाद ही बदल देता है जीरा। देखिए ये अमरूद है, ये टमाटर है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आज जीरा भून के रखना पड़ेगा, जीरा खत्म हो गया है मेरा। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च जरा सी, लाल मिर्च अच्छी नहीं लगती और काली मिर्च थोड़ा स्वास्थ्य वर्धक होती है। ये देखिए नमक, इसको हम बाद में डालेंगे, क्योंकि नमक डालेंगे खाते समय, नहीं तो पहले से अगर हम डाल देंगे तो पानी छोड़ देगा ये। अब इधर देखिए, ये मेरा ये तैयार पैन, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। ये देखिए, बस देखिए इतना ऑयल पड़ा हुआ। इसमें हम देखिए
थोड़ी थोड़ी सी धनिया, ये देखिए ये मेरी धनिया है, और काला नमक रखा हुआ है खाते समय ऊपर से काला नमक, ये देखिए ये रेडी। अब इसमें हम काला नमक बाद में डालेंगे। अब देखिए मेरा तेल हो जाता है, इसके बाद हम इसमें जीरा से तड़का लगाते हैं। मूंग की दाल है, इसे अगर सादा तड़का समझो तो मूंग की दाल में सिर्फ जीरा लौंग और इलायची का तड़का लगाते हैं। हम अपनी पसंद बताते हैं, आप लोग क्या लगाते हैं आप बताइए, लेकिन इससे थोड़ा मसूर की दाल भी मैंने डाली तो मेरा तड़का ये होगा। ये देखिए ये प्याज है और ये अदरक है, टमाटर है, लहसुन है। अब देखिए हो गया ये, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सर एक स्पून जीरा। गैस तो करते स्लो नहीं तो जल जाएगा मसाला मेरा। और इसी में ये डाल देते हैं प्याज, जीरा तड़कने लगा है अब प्याज डालते हैं। अभी देखिए ये इसी में अदरक भी डाल देते हैं, भून जाएगी अदरक। धीमी आंच पे पकेगा। ये देखिए ये मूंग की दाल, अब ये देखिए मेरी मूंग की दाल तैयार हो गई है। मैंने तड़का भी लगा दिया है, थोड़ी कश्मीरी मिर्च डाल दी है। ये देखिए ये मेरी दाल तैयार। ये देखिए अब आपको ये दाल कैसी लगी आप बताइए। देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं रायता, वो आपको दिखाते हैं बना के। देखिए मेरी लौकी की सब्जी है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल बनी हुई जीरा डाल के, जीरा और हल्दी। देखिए हल्दी भी नहीं है, जीरा और हरी धनिया। मैं इसको थोड़ा सा पीस लेती हूँ, ये देखिए इतनी पीस देती हूँ, बाकी इसको रख देती हूँ। और इसको महीन महीन पीस देती। इसमें जीरा काफी पड़ा हुआ है, जीरा पड़ा हींग पड़ी, यानी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इसको खूब महीन हम कर लेते हैं। लौकी है ज्यादा हो गई थी सब्जी, तो ये हमने निकाल लिया है। ये देखिए ये मैंने इसमें निकाल दिया, बेसिन में डाल देते साफ करने के लिए। ये देखिए ये मेरा पिसा हुआ रखा हुआ है, अब हम थोड़ा सा इसमें जीरा का तड़का लगा देते हैं। देखिए ये लगाना चाहिए दियाली का, लेकिन मैं जीरा का लगा रही हूँ। और ये मेरा मट्ठा रखा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ बाजार से मंगाना पड़ता है, वहां थे तो घर का मट्ठा मिल जाता था, ये बाजार से आता है। ये देखिए अभी एक लाल मिर्च दो, देखिए चमचा हो गया है। इसमें हम घी डाल देते हैं और फिर ये राई डालेंगे, ये जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। ये देखिए ये जीरा पड़ गया और इसी समय फिर ये राई डाल देते हैं। मिर्चा पड़ गया,
हींग थोड़ा चाहिए। और ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, और ये देखिए मेरा रायता तैयार। ये देखिए ऐसा रायता पीस के लौटी बनाया है आपने कभी, देखिए ये सब्जी ज्यादा हो जाए। ये देखिए रायता मेरा हो गया, ये अब इसका धुआं इसी के अंदर सारा जाएगा।